दोस्तों यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मार्केट से जुड़ी तमाम जानकारियों को आपको समय समय पर अपडेट मिलता रहे। दोस्तों हिंडनबर्ग के बेबुनियाद अफवाह के बीच अडानी ट्रांसमिशन के क्वार्टर थ्री का चौंकाने वाले नतीजे सामने आ गए हैं, जो कि पिछले साल के मुकाबले 267 करोड़ के मुकाबले 77.80% की बढ़त लेते हुए 474.70 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ है। लगभग इसमें 55% तक की गिरावट हिंडनबर्ग के अफवाह की वजह से देखने को मिला है। मौजूदा समय में यह 5% की अपर सर्किट के साथ इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट बनाने वाली यह कंपनी 1314.80 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। वहीं दूसरी बात के ऊपर नजर डालें तो दूसरी इस कंपनी अडानी की बिलमार, जो कि 5% के अपर सर्किट के साथ 1418 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। दोस्तों यह कंपनी भारत में लगभग 70% मार्केट पर अपना कब्जा किए हुए है। वहीं पर तीसरी इसकी पॉजिटिव बातों के ऊपर नजर डालें तो अडानी एंटरप्राइजेस 12% के ऊपर तक की बढ़त के साथ आज के टॉप गनर में अपना स्थान बनाए हुए है। 2025 रुपये पर लगभग ट्रेड कर रहा है, जिसमें हमें मात्र 4 दिनों में ही लगभग 71% तक का नेट प्रॉफिट मिला है। और एक पॉजिटिव बातों के ऊपर नजर डालें इस कंपनी के, तो इसकी 3 से 4 कंपनी अपने समय से पहले ही अपने प्लेज को समाप्त करने का फैसला किया, जिसके बाद से ही अडानी के शेयर में लगातार तेजी देखने को मिल रहा है। दोस्तों अडानी ग्रीन एनर्जी भी विश्व के टॉप ग्रीन एनर्जी कंपनियों में से एक है। यदि आप इसमें इस समय निवेश करते हैं, हर गिरावट में कुछ न कुछ शेयर खरीदते हैं, तो आने वाले समय में आपको निश्चित तौर पर फायदा होने वाला है। दोस्तों हिंडनबर्ग के अफवाह के बाद इस कंपनियों में रिस्क बना हुआ है, लेकिन आने वाले समय में अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है, क्योंकि अडानी की कंपनियां ग्राउंड लेवल पर काम कर रही हैं। अपना अध्ययन मनन करके ही इसमें निवेश करें। यदि आप थोड़ा सा रिस्क लेते हैं तो आने वाले समय में अच्छा खासा मुनाफा बन सकता है। मार्केट से जुड़ी ऐसी तमाम जानकारियों से अपडेट रहने के लिए वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।